हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरपुर में मोदी ने की नीतीश की वाहवाही, मगर शेल्टर होम में बेटियों के बलात्कार पर चुप रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही में एयरपोर्ट ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दल को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले ट्रेन में, कभी बाजार में, कभी बस में, कभी मंदिर में, तो कभी रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुआ करते थे। इन बम धमाकों को कांग्रेस और उसके साथी बर्दाश्त करते थे। पिछले साल 5 साल में बहुत मेहनत से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इन गलत इरादे वाले लोगों को रोक कर रखा है। यहाँ मंच पर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। मोदी ने नीतीश की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार को पीछे ले जाना। नीतीश जी, पासवान जी, सुशील जी, सभी के प्रयत्नों से बिहार ने पुराने दौर को पीछे छोड़ दिया है। एनडीए की जीत को लोग बेताब हैं। बिहार के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब लूटपाट, हत्या, अपहरण, गुंडागर्दी, घोटाले की वापसी। मुजफ्फरपुर में मोदी ने विपक्ष को खूब सुनाया और अपने गठबंधन की तारीफ के पुल बांध दिए, परंतु उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी पिछले साल हुए मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने बखूबी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल दिया। बता दें, साल 2018 में मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 34 लड़कियों से बलात्कार का मामला सामने आया था। मुजफ्फरपुर में मोदी नीतीश की इस रैली पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने नीतीश और मोदी के मंत्रियों को बलात्कारी बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने दोषियों को बचाने की प्रयास किया है। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी आज मुजफ्फरपुर में थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड सबको याद होगा, जहां सत्ता संरक्षण में 34 नादान बच्चियों के साथ जन बलात्कार किया गया। बलात्कारी नीतीश और मोदी के मंत्री और नेता हैं, लेकिन एक साल से मोदी ने इस घिनौने और जघन्य कांड पर एक बार भी मुंह खोलकर निंदा नहीं की। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मोदी नीतीश को हाथे आड़ लिया। आरजेडी ने लिखा कि उन्हें लोग 200 अनाथ अबोध बच्चों के साथ रोज दुष्कर्म करते होंगे और न जाने कितनों को मार डालता होंगे। मोदी नीतीश की जोड़ी पर सवाल उठाते हुए आरजेडी ने लिखा कि एक जनाब ने दरिंदों को बचाने, सबूत मिटाने को जमीन आसमान एक कर दिया, दूसरे तो हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र ही निकले। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।